उत्तर प्रदेश में घटनाओं का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जहां एक ओर प्रदेश में घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, वहीं बीते दिन बहराइच जिले से एक और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। जहां दिन दहाड़े दबंग ने ईंट पत्थर से कूच कर एक ई रिक्शा चालक की हत्या कर दी। घटना के बाद से शहर में हड़कंप मच गया। बता दें कि बहराइच जिले कोतवाली कैसरगंज इलाके के मेहरनी चौराहे पर मामूली विवाद को लेकर हमलावर ने ई रिक्शा चालक की ईंट से कूच कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। वारदात के बाद पीड़ित चीखता रहा, लेकिन सांस थमने के साथ साथ उसकी चीखें थम गईं। वहीं हत्या की भनक लगते ही पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। वहीं घटना के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पवित्र मोहन त्रिपाठी का बताया कि मामले में आरोपी युवक गिरफ्तार कर लिया गया है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर उसे जेल भेजा जा रहा है। जनपद बहराइच में थाना कैसरगंज में हरनी चौराहे पर एक रिक्शा चालक प्रवेश कुमार, जो कि डिकोली का रहने वाला है, उसकी उम्र 28 वर्ष है, उसको ईंट से मारकर घायल कर दिया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसमें अभियुक्त गंगाधर शुक्ला उर्फ दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है, अभी पंजीकृत कर लिया गया है। गंगाधर द्वारा ई रिक्शा चालक को कैसरगंज जाने के लिए कहा गया था, उसके मना करने पर उसने आक्रोशित होकर के उसके सिर में ईंट मारकर उसको घायल कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। तत्काल शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है एवं पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अभी तो गिरफ्तार कर लिया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि जिस चौराहे पर हमलावर ने युवक पर हमला किया था, वो काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है और जिस समय युवक पर ईंट से प्रहार हो रहा था, उस समय सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित होकर तमाशा देख रहे थे। वहीं कुछ लोग उसे बचाने के बजाय घटना का वीडियो बनाते देखे। यदि समय रहते उसे कोई बचाने का प्रयास करता तो शायद युवक की जान बच सकती थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बहराइच से मोहम्मद काशिफ की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।